नमस्कार उत्कल प्रदेश को स्वागत करुछी मुआसा नजर पकाइबा वर्तमान रो हेडलाइंस उपरे नक्सलों का बर्बर कांड मालकानगिरी जिले रे पुणी जवान को टारगेट करी विस्फोरण विस्फोरण रे प्राण हरैछंती 9 जन जवान भद्रक जिले रे निम्न मानर रास्ता काम रास्ता तयारी को 15 दिन न हेउनु पाचेरी फाटी आ कलाणी एने असंतोष जनसाधारण गोपालपुर चुट्टी चोर को गिरफ पश्चिमबंग पुलिस कले एही चोर को गिरफ जबत चुट्टी आनुमानिक मूल्य 3 कोटी रु अधिक बोलगड़े कपिल सेठी दुख भरा कहानी 5 वर्ष हेलानी किडनी रोग से पीड़ित से चिकित्सा पाई अर्थ साजिश बाधक वर्तमान संपूर्ण खबर नक्सलों बर्बर कांड लालगढ़ में पुणी लाल आतंक रक्तमुखा हो लाल बाहिनी मालकानगिरी सीमांत में पुणी सक्रिय हो उठी लाल बाहिनी सुकमार किस्ताराम पालुडी जंगल में कम्बिंग ऑपरेशन चलता बेले सीआरपीएफ जवान को टार्गेट कर विस्फोरण करते माओवादी ए 9 जन जवान प्राण हर आसतु देखा रिपोर्ट गतकाली मालकानगिरी सीमांत सुकमार किस्ताराम पालुडी जंगल रे कॉम्बिंग ऑपरेशन चलता बेले सीआरपीएफ जवान को टारगेट करी विस्फोरण करते माओवादी सुकमा जिले में माओवादी लाख लाख तीनोटी आईईडी विस्फोरण रे आंटी लैंडमाइंस गाड़ी ध्वस्त विध्वस्त हो जाता एथिरे 9 जन जवान प्राण हर बेले 3 जन गुरुतर आहत होते प्राण हर सुरक्षा कर्मी मध्य ओडिया पुओ तथा पुरी जिला ब्रह्मगिरी थाना रेबणा नुआगां ग्रामर मनोरंजन लेंका शहीद होती आज छत्तीसगढ़ शहीद मनोरंजन को मर शरीर तांको गांव अभिमुखे जीवापाई एक स्वतंत्र विमान रे आसी बिजु पटनायक विमान बंदर रे पहुंचला एहा परे सेठरे राज्य सरकार को पक्षरो गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान परे अर्थमंत्री शशिभूषण बेहरा और संसदीय व्यापार मंत्री विक्रम केसरी आरोक शहीद लेंका को मर शरीर रे माल्यार्पण कर शेष श्रद्धांजलि जणाइथिले एहा परे शहीद का मर शरीर रेबणा नुआ गां रे पहुंचला गां रे अंतिम दर्शन परे तांकर शेषकृत संपन्न होछि तेबे शहीद का परिवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 5 लाख टंका रा अनुकंपा राशि घोषणा करथिबा जणा पडिछि मालकानगिरी रु पार्थ रॉयंग रिपोर्ट मेट्रो टीवी भद्रक जिला भंडारी पोखरी ब्लॉक रो भंडारी पोखरी ठारु मणिनाथपुर पर्यंत 13 कोटी टंका व्ययरे करा जाउथिबा रास्ता निर्माण काम निम्न मानर 15 दिन न जाउनु रास्ता कडक पाचेरी फाटी आ कलाणी उक्त रास्ताटे संपूर्ण बन्या अंचल दे जाउथिबारु रास्तार स्थायित्व उपरे प्रश्नवाची सृष्टि होईछि भद्रक जिला भंडारी पोखरी ब्लॉक रो भंडारी पोखरी ठारु मणिनाथपुर पर्यंत 13 कोटी टंका व्ययरे कंक्रीट रास्ता निर्माण करा जाउछि एही रास्तार काम अति निम्न मानर करा जाउथिबा नै अभिजोग आसिछि रास्ता काम न सरुणु कंक्रीट विभिन्न स्थान रे फाटी जिबार देखा दैछि आवश्यक अनुसार सीमेंट दिया जाउ नथिबारु एपरि कंक्रीट फाटी जाउथिबा कहिछन्ति स्थानीय बासिंदा रास्तार पार्श्वरे निर्मित पाचेरी 15 दिन मध्यरे फाटी आ कलानी कंक्रीट रास्तार आवश्यक अनुसार पानी दिया जाउ नाही ठिकादार अनभिज्ञ कर्मचारी को नियोजित करथिबारु सेमाने मनमुखी कार्य करथुबा नै अभिजोग आसछि एही रास्ताटे संपूर्ण बन्या अंचल दे जाउथिबारु रास्तार स्थायित्व उपरे एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होछि भंडारी पोखरी रु देवी प्रसाद बारिंग का रिपोर्ट मेट्रो टीवी पश्चिमबंग भगवानपुर पुलिस थाना रे दाखल इतलार तदंत करथुबा सब इंस्पेक्टर कमल तत्वावधान रे एक 4 जणिया टीम गोपालपुर ठारे पहुंची 2 जण चुट्टी चोर को गिरफ करथिबा जणा पडिछि गिरफ 2 जण हेउछन्ती ब्रह्मपुर बिपिन स्वाई और गोपालपुर जी कामराजु तेबे जबत होइथिबा प्राय 500 केजी रो चुट्टी रो आनुमानिक मूल्य 3 कोटी रु अधिक हेबो बोली जणा पडिछि सोमवार दिन पश्चिमबंग पुलिस गंजाम रो गोपालपुर थाना सहयोग रे 2 जण चुट्टी चोर को गिरफ करथिबा बेले मंगलवार दिन ब्रह्मपुर एसडीजीएम कोर्ट को चालान कइछे पश्चिमबंग भगवानपुर पुलिस थाना रे दाखल एतलार तदंत करथुबा सब इंस्पेक्टर कलम को तत्वावधान रे एक 4 जणिया टीम गोपालपुर ठारे पहुंचे प्राय 500 केजी रो चुट्टी जब्त करथिले जहार आनुमानिक मूल्य प्राय 3 कोटी रु अधिक टंका हेबो बोली जणा पडिछि एही चोरी घटना रे ब्रह्मपुर रो बिपिन स्वाई एवं गोपालपुर रो जी कामराजु को गिरफ करा जायछि वहां पर एक एफआईआर लॉज्ड होने के बाद
वुमेन हेयर जिसमें चोरी किया गया है, मिसिंग है, वो एक माल, वो गुड्स जो है एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा था, बट जहाँ से निकला और जहाँ पहुँचना था वो सही जगह पे नहीं पहुँचा, तो इसकी वजह से एक FIR हमारे ऑफिसर इंचार्ज ने स्टार्ट किया, इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने हमारा जो इन्फॉर्मेशन था उस हिसाब से हम लोगों ने रेड में हम लोगों ने दो जन को अरेस्ट किया। मैं आपको जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगा, मेरा कुछ मैंडेटरी वर्क था, अभी मैं काम कर लिख रहा हूँ आपके सामने, तो ये फॉरवर्डिंग में तैयार है। पश्चिमबंग पुलिस एक घटना को गणमाध्यम प्रकाश करने को कुंठाबोध करता बेले शेष संपूर्ण तथ्य देवा को मना कर देते तेज जबत चुटी पश्चिमबंग विजयवाड़ा को चालन होग्री पठा जा कमरे व्यवहार कर संपर्क में तदंत चली बेले तदंत अधिकारी गणमाध्यम को सूचना देवाई कुंठाबोध करने पक्ष की रहस्य रही संदेह सृष्टि कर ब्रह्मपुर वासुदेव बिसोई के साथ गोपालपुर रमेश कुमार साहू की रिपोर्ट मेट्रो टीवी। बुलेटिन समय हिच एक ब्रेक रो सनगरीबा पूर्वरु बडदांड रे पसरा मेलाइथिबा नुर्सिया स्वीट्स रो ताजा खजार मजा नियंतु खजा भितरे बेस्ट सबटु भारी टेस्ट एही नुर्सिंगा स्वीट्स रो धूम मीठा खजा देखिबा को जेमिति ताजा खाइबा को लागे सेमिति मजा एठा को आसंतु आउ एई टेस्ट रो बेस्ट थिबा खजा को खाई जगन्नाथ को मन भरी दर्शन करंतु। ब्रेक परे स्वागत। बोलगड़ ब्लॉक आरिकमा ग्रामर 49 वर्षीय कपिल सेठी परिवार कहिले तांकर पत्नी एवं दुईटी नाबालिका झियो ओ गोटिए पुओ मात्र 5 वर्ष तले दुरारोग्य किडनी रोगरे आक्रांत होइथिले कपिल वर्तमान से शय्याशायी दुखर विषय अर्थाभावर से आवश्यक चिकित्सा करि पारु नाहंती नजर पकाइबा एहि रिपोर्ट उपरे दिन थिला मूलपाती पाई शारीरिक परिश्रम को एकमात्र पाथेय करी निज परिवारर गुजराण मेंटाउथिले बोलगड़ ब्लॉक आरिकमा ग्रामर 49 वर्षिया कपिल सेठी परिवार कहिले तांकर पत्नी एवं दुई नाबालिका झियो ओ गोटिए पुओ मात्र 5 वर्ष तले दुरारोग्य किडनी रोगरे आक्रांत होई पड़िथिले कपिल जेउति पाई अर्थाभावर से आवश्यक चिकित्सा होई पारि नथिले एपरिकी वर्तमान से श्वास प्रक्रिया पाई असहाय होई पड़ुछंती तेबे ऑक्सीजन लगा जाई शय्याशायी अवस्था रे कर्म को आदरी घरे पड़ी रहिछंती कपिल तांकर चिकित्सा पाई कौनसी सरकार किंबा बेसरकारी स्तररु सहयोगर हात बढ़ा जाई नाही एपरी उपाय शून्य भावे दुखर सहित बंचुथिबा कहिछंती परिवार लोके पूर्वरु मध्य तांक परिवारर आर्थिक अवस्था स्वच्छल नथिला तांकर रहिबा को माटिकांत थिबा टाइल छपर दुई बखरा ओ चाष जमी नाही न कहिले चले तेबे परिवारर एकमात्र रोजगारिया व्यक्ति थिले कपिल तांकर अर्थाभावरु पिला माने पाठ पढ़ी पारु नाहंती अपरपक्षे कपिलंकर रोजगार बंद होइजिबा कारणरु पत्नी परघरे कामकार्य करी परिवारर गुजराण मेंटाउछंती एपरी दुर्दिनरे बंचुछंती तांको परिवार लोके कपिलंक चिकित्सा पाई सरकार स्वेच्छासेवी अनुष्ठान किंबा कौनसी बदान्य व्यक्ति आर्थिक सहायता जोगाई देबागु तांको पत्नी व परिवार लोके आकुल निवेदन करिछंती ପୁଅଟା ବି ପଢେଇବାକୁ ତାକୁ ବି ମୋର ବଳ ନାହିଁ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ସାନ ଝିଅକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ପାଠ ପଢେଇବିନି ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସହାୟତା ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ ପଢନ୍ତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଧରିକି ମୁଁ ସବୁଆଡେ ବୁଲି ପାରନ୍ତି ଧରିକି ରୋଗ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି କଣ କରନ୍ତି ଯଦି ଭଲ ନ ହବ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ନ ହବ କି କୁଆଡୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନ ଆସିବ ପିଲା ତିନିଟାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ମୁଁ କୁଆଡେ ରହିବି କେମିତି ଚଳିବି ସଂସାରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ଏହି ସବୁ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆରିକୁମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତର କପିଳ ସେଠୀ। ଆଜକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି କପିଳ ସେଠୀ। ହେଲେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ନା ଅଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ନା ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସହାୟତା। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଟିକେ ପାଇ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କପିଳ ସେଠୀଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ରୁ ସୁରେଶ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ମହରମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବାଧକ ସାଜୁଛି। ସରପଞ୍ଚ ଶାସକ ଦଳର ସମର୍ଥିତ ହୋଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ବିଡିଓ ଶାସକ ଦଳର ହାତ ବାରସି ସାଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ସରପଞ୍ଚ ଅଲୀଳ ପ୍ରଭା ରାଉତ ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନଶନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ମହରମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସକ ବାଧକ ସାଜୁଛି। ସରପଞ୍ଚ ଶାସକ ଦଳର ସମର୍ଥିତ ହୋଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି। ବିଡିଓ ଶାସକ ଦଳର ହାତ ପାରିସି ସାଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ସରପଞ୍ଚ ଅଲୀଳ ପ୍ରଭା ରାଉଳ ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନଶନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗତ 25/7/2017 ପଲ୍ଲୀସଭାରେ 3 ଏସ୍ଏଫ୍ସି ଓ ସିଏଫ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କଞ୍ଚାମାଲ ପକାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି 3 ମାସ ତଳେ କାମ ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ। କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ। ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ସେହିପରି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆସିଥିବା ଅନୁଦାନ ରାଶିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଶୁଣି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମିଳିତ ଅଭିଯୋଗ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଉଳ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଗତ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ କରି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନଶନରେ ବସିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ମହରମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ ବରଂ ଫତେପୁର ଓ ଭାଟପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏପରି ଭାବେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସକ ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହେଲା ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଲି, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ସିଏଫ୍ସି ଏସ୍ଏଫ୍ସି ଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏସ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏଇ ମିଶିକି 18-20 ଲକ୍ଷ କାମ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ବିଲ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଜି ମୋର ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଅସୁବିଧା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ପାର୍ସିଆଲିଟି ହେଉଛି, ଦଳୀୟଗତ ସମସ୍ୟା ଇଏ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସରପଞ୍ଚ ବିଜେପି ସରପଞ୍ଚକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନ ଦିଆଯାଉ। ଏ ପରିସ୍ଥଳରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏରେ ଗୋଟେ କାମ ହେଲା, ଇଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେ କାମ ହେଇଛି, ପୁଣି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କାମ ହେବା ବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ଯେ ଏଇ ନିଜେ ବିଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ପରିସ୍ଥଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ମୋର ତ ଏଠି ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରୁ କାମ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବିଲ୍ ହେଇଯିବାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ କହିଲା ବେଳକୁ ଯେଇ କହୁଛି ଯେ ବିଡିଓ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଲ୍ କରିବି। ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.metrotvbureau.com। ନମସ୍କାର।